सो गुड मॉर्निंग मित्रों, कैसे हो आप सब। मैं तो बहुत शानदार, उम्मीद करता हूं आप लोग भी बहुत शानदार हो गए। आज मैं आपके लिए लाया हूं एक वीडियो जहां पर कि मैं पेश करने जा रहा हूं KTM में मैंने कुछ एक्सेसरीज फिट की हैं, जैसे कि ऑक्सिलरी लैंप प्लस हैजर्ड लैंप, हैजर्ड की फिटिंग। सो मैं आपको शो करने जा रहा हूं, और जो भी इसमें खर्चा आया है और कहां से मैंने कराया है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा। सो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में, धन्यवाद। तो दोस्तों अभी काम हो रहा है फ्लैशर का एंड फॉग लाइट का। तो ये लगने के बाद कैसा लगता है आई शेयर विद यू गाइस। सो गाइस फ्लैशर तो चालू हो चुका है, और फ्लैशर सिर्फ 750 रुपये का आया है। मॉब है यहाँ पर चेंज करने के लिए। नाउ ऑक्सिलरी लैंप्स आर गेटिंग इंस्टॉल्ड, तो उसके बाद फाइनल लुक क्या होता है गड्डी का आई शेयर विद यू गाइस। सो दोस्तों मेरे साथ है आकिफ भाई, और इन्होंने अभी गाड़ी में मतलब काम करा है, और क्या क्या काम करा है वो अभी खुद आपको बताएंगे। उसके फोर एम इंडिकेटर वगैरह से ब्लिंक करते हैं, इसके लिए आपने बटन लगाया है। हजार इसका स्टोरिंग हमने सीट के अंदर नहीं करा है, पानी भी बचेगा हमारा स्टोरिंग से, और ये चार्ज कर ऑन करते हैं और इसका हजार ऑन ऑफ होएंगे आप देखिए। बार हम इसको ऑन ऑफ करेंगे, इसमें 15 पेटेंट है, अलग अलग तरीके से मूव करेगा ये। और बाकी हमने इसमें फॉग लैंप इंस्टॉल करे हैं, डे लाइट वाले, डे लाइट वाले इसके फॉग लैंप है। सो कुल मिला के गाड़ी का लुक बहुत चेंज हो गया है, और इसका परफॉर्मेंस कैसा है वो मैं आपको रात को दिखाऊंगा। सही आकिफ भाई से आपका नंबर ले लो, 8192831595 ये हमारी दुकान का एड्रेस है। सो पीछे जो मेन दुकान है उसका भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये देखिए मेन दुकान ये है, सारा का सारा स्टोर यहाँ पर, सारा का सारा सामान। अगर आपको कुछ ऑर्डर भी करना है यू कैन ऑल्सो ऑर्डर, और आपको 2 से 3 दिन में मिल जाता है, बढ़िया फिटिंग मिल जाती है। ठीक है आकिफ भाई, ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। ओके सर। गाइस आफ्टर डूइंग हेल लॉट ऑफ वर्क तो गाड़ी कुछ इस तरीके से लग रही है। सो इसमें जो ऑक्स लाइट लगी हैं वो कुछ इस तरीके की हैं, इसमें DRLs भी लगे हुए हैं ऑक्स लाइट के साथ। अभी जलने के बाद कैसी लगती है आई विल शो यू। साथ में हैजर्ड लग गया है इसमें फ्लैशर, जो कि सीट के अंदर से लगा हुआ है। उसके अलावा टॉप बॉक्स लगा हुआ है, हेलमेट जो मेरा है इसमें अभी मैंने GoPro नहीं लगाया हुआ है, और कुछ इस तरीके से इसमें ये इंटरकॉम लगा हुआ है। ओवरऑल बाइक का लुक करंट में ऐसा लग रहा है जब अभी इसमें पैनियर नहीं लगे हैं, और जल्दी ही इसमें पैनियर लग जाएंगे, और पैनियर लगने के बाद ये बाइक कैसे लगती है आई विल शो यू। सो अभी मैं इसका इंजन ऑन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि ये इंजन भी नहीं लाइट कैसी जल रही है। तो कुछ इस तरीके से है ऑक्स लाइट, और रात को मैं आपको दिखाऊंगा कि इसकी आखिर कितनी तेज है रोशनी, और फ्लैशर भी अच्छे से काम कर रहे हैं, काफी बढ़िया लुक आ रहा है बाइक का आप देख सकते हैं। सो मिलते हैं फिर आगे रात के टाइम जब मैं आपको दिखा पाऊँ। सो फ्रेंड्स कुछ ये नज़ारा है, अभी मैं एक थोड़ी सुनसान रोड में आया हूँ, और अभी मैं नॉर्मल लाइट चालू करके देखता हूँ बाइक की, और ये उजाला हो गया है नॉर्मल लाइट ऑन करने में। अब मैं जो आज
ऑक्सिलरी लाइट लगाई है वो लगा के देखता हूँ। देखिए उजाले में फ़र्क तो आया है, बट थोड़ा सा दिक्कत ये है कि इसकी सेटिंग मेरे ख्याल से प्रॉपर नहीं है। तो एक बार उतर के देख लेते हैं कि सेटिंग में क्या दिक्कत है। शायद फोकस प्रॉपर नहीं है इसका, फोकस के वजह से थोड़ा दिक्कत है। ऐसे तो वैसे समझ में नहीं आ रहा है, हालांकि कल मैं एक बार जाके चेक जरूर करा लूँगा। और कुछ इस तरीके की लग रही है, एक बारी मेन लाइट बंद करके देख लेते हैं। मेन लाइट बंद कर दी है मैंने, तो कुछ इस तरीके की लाइट दिख रही है। और थोड़ा फोकस का प्रॉब्लम लगा मेरे को, थोड़ा सा ऊपर करके देखूं मैं लैंप को, क्या पता प्रॉपर आ जाए। और अब एक बार चालू करके देखता हूं। ये मेरे ख्याल से ना थोड़ा सा इंक्लाइंड है यहाँ पर, देखो ये थोड़ा सा, मतलब अगर सीधा होता तो शायद, हाँ अभी सीधा मैंने किया है, थोड़ा सा सीधा हुआ है शायद। और सेम फॉर दिस वन ऑल्सो, तो अभी थोड़ा प्रॉपर लग रहा है। और एक बारी लाइट चालू कर लेते हैं। और ये नज़ारा है नॉर्मल, और ये है विद ऑक्स लाइट्स। सो ये सही फोकस बन रहा है इसका, और इसको यहीं पर ही कसा लिया जाए तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। काफ़ी आगे तक लाइट दिख रही है, आप देख सकते हैं, देखिए पूरा रास्ता जगमग हो गया है। अगर नॉर्मल लाइट बंद कर दूं तो ऑक्सिलरी लाइट कुछ इस तरीके से काम कर रही है, सो विच इज़ क्वाइट ब्यूटीफुल। एंड एक बार ही ऑक्स लाइट बंद करते हैं और देखते हैं फ्लैशर कैसे काम कर रहे हैं। सो फ्लैशर ही थोड़ा बढ़िया काम कर रहे हैं। एक बारी सेटिंग चेंज करके देखते हैं, ये दूसरी सेटिंग है। तो मेरे को बताया है कि इसमें टोटल 15 सेटिंग्स हैं, और ऑन करके ऑफ करोगे तो सेटिंग चेंज होती रहेगी। देखिए हैज़र्ड के लिए बिल्कुल परफेक्ट सिचुएशन है इस फ्लैशर के साथ, और आगे का लुक कुछ इस तरीके से दिखेगा। और बहुत बढ़िया यार DRLs का एक लुक आ रहा है। और साथ में एक बारी मैं ऑक्स लैंप चालू कर लेता हूँ, तो कुछ इस तरीके से नज़ारा है, और काफ़ी आगे तक रोशनी हो गई है। तो मैंने अभी जो सेटिंग की है ये प्रॉपर है, बस इसको मेरे को इसमें सेट करना है, थोड़ा कसना है ताकि ये और बढ़िया हो जाए, और टोटल हमारा सेटअप फाइनली ये हो जाएगा। देखिए जगमा का ये रोड, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कहीं भी निकल जाओ। चलो मिलते हैं फिर, ये वीडियो मैं जल्दी पोस्ट कर दूंगा शायद कल, फिर मिलते हैं। टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, और सब्सक्राइब करना ना भूलें आपका अपना चैनल स्वीट चाइम्स। और जल्दी से राइड प्लान करने वाला हूँ, जल्द से जल्द, फॉर हैप बाई नेक्स्ट वीक मेरा पेनियर एक बार आ जाए, देन आई एम गोइंग टू स्टार्ट द राइड। थैंक यू, शबा खैर, बाय बाय।